अगर आप आपके अपनों को कनाडा बुलाना चाहते हैं पर वीजा रिजेक्शन या इमिग्रेशन प्रोसेसेस की कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप WWICS के पास है आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन। हम हर तरह की इमिग्रेशन से डील करते हैं। WWICS। देश की राजधानी दिल्ली में कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी 2020 को आंदोलन का माहौल गड़बड़ाया तो 4-5 दिन के भीतर ही दिल्ली से लगी सीमाओं पर एक अलग नजारा दिखा। सभी सीमाओं पर कई कई लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी गई। गाजीपुर बॉर्डर पर तो सड़क पर बड़ी बड़ी कीले लगा दी गई ताकि कोई भी वाहन दिल्ली की सीमा में प्रवेश ना कर सके, और साथ ही कर दी गई कटीली बाड़बंदी। कटीले तारों से सारी सीमाएं पैक कर दी गई। कटीले तार, जिसे रेजर ब्लेड वायर कहते हैं, जो अक्सर हम देश की सरहदों पर देखते हैं, तार जो एक तरह से बंटवारे की निशानी माने जाते हैं कि इस तार के इधर का हिस्सा किसी और का है, उधर का किसी और का। लेकिन ये तार पहली बार कब दिखे, कब इस्तेमाल हुए, 154 साल पुराना इतिहास। रेजर ब्लेड वायर्स का इतिहास करीब करीब 154 साल पुराना है। ब्रिटानिका वेबसाइट के मुताबिक 1867 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पहली बार इस तरह के तारों का इस्तेमाल किया गया था। तब इसका इस्तेमाल खेत खलियानों में किया जाता था। 1874 तक यूं ही चलता रहा कि गुरु ऐसा तार मार्केट में आया है कि खेत में जानवर फटक भी नहीं सकते। लेकिन ये तार अब तक इतना सुलभ नहीं था कि हर किसी की पहुँच में हो। 1874 में जोसेफ गिल्डेन नाम के व्यक्ति ने ये काम भी कर दिया। इन साहब ने ऐसे रेजर ब्लेड वायर्स बनाने के लिए एक मशीन तैयार कर दी। एक दशक बीतते बीतते रेजर ब्लेड वायर्स पूरे अमेरिका में इस्तेमाल होने लगे, खासकर सरहदी इलाकों में। अब ये सिर्फ जानवरों को नहीं, इंसानों को रोकने के काम में भी लाए जाने लगे थे। मिलिट्री इस्तेमाल बढ़ा। 1895 में पहली बार इन तारों का मिलिट्री से जुड़े काम में इस्तेमाल किया गया। अफ्रीकन आदिवासी और पुर्तगालियों के बीच युद्ध में, इसके बाद 1905 में रूसो जापानी युद्ध में भी इसके इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। जब तक आधी सदी बीतती है, इन तारों का इस्तेमाल खेतों से निकलकर मुख्य तौर पर मिलिट्री से जुड़ गया था। सेनाएं इन तारों का बड़े स्तर पर उपयोग करने लगी। बाद में तो जानवरों के हित के लिए ये भी नियम बने कि इस तरह के तारों का इस्तेमाल खेतों में ना किया जाए, इससे बेजुबान नासमझ जानवर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। भारत की सीमा पर कोबरा तार। भारत की सीमाओं पर भी इन तारों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अलग नाम से। भारतीय सीमा पर इसे कोबरा तार कहा जाता है। अभी 2019 में ही राजस्थान से सटी करीब 1000 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान सीमा पर कैमरे व अन्य उपकरण लगाए जाने थे, लेकिन ये काम करने से पहले यहाँ सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोबरा तार बिछाए गए थे। देश विदेश में कई सीमाओं पर तो कई कई लेयर्स में रेजर ब्लेड वायर्स लगाए जाते हैं, सुरक्षा को और भी चुस्त करने के लिए। किसान आंदोलन के बीच जब 1-2 फरवरी को दिल्ली की सीमाओं पर ये तार लगाए गए, तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके लिखा था कि देश को पुल चाहिए, दीवारें नहीं। एक यूजर ने इसे तानाशाही करार दिया। एक अन्य यूजर ने लिखा कि सरकार क्या दिखाना चाहती है, किसे दिखाना चाहती है, युद्ध नहीं है, हम देश के नागरिक हैं, चीन या पाकिस्तान नहीं है। ट्विटर पर हैशटैग फेंसिंग लाइक चाइना पाक ट्रेंड भी होने लगा था, यानी चीन और पाकिस्तान की तरह बाड़बंदी से इसकी तुलना की जा रही थी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए टी लल्लन टॉक। शुक्रिया।